जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 21 दिनों तक लॉकडाउन की घोषणा की गई है, तभी से केंद्र व प्रदेश की सरकारों के द्वारा निर्धन व बेरोजगार परिवारों को भोजन की व्यवस्था कराई जा रही है। वहीं जिला मुजफ्फरनगर में प्रशासन भी इस कार्य में अग्रिम भूमिका निभा रहा है। पुलिस कर्मियों के द्वारा जगह जगह अपने खर्चे से गरीब लोगों को खाना उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो वहीं राज्य मंत्री व पुरकाजी विधायक प्रमोद ऊंटवाल के द्वारा नगर का भ्रमण किया गया और जिले के प्रशासनिक अधिकारियों से नगर की स्थिति का जायजा लिया। इस नगर भ्रमण के दौरान बुढ़ाना मोड़ स्थित कांशीराम आवास कॉलोनी में गरीब व मजदूर लोगों को खाद्य सामग्री का वितरण किया और गरीब परिवारों को आश्वस्त किया कि वे हमेशा उनके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जिस सामान की भी जरूरत हो हमसे या जिला प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं। इस दौरान राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जिला प्रशासन व हम सभी को निर्देशित किया गया है कि इस लॉकडाउन के दौरान कोई भी व्यक्ति भूखा न सो पाए और गरीब लोगों को घर घर राशन पहुंचाने का कार्य करें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम लोगों ने कांशीराम आवास कॉलोनी में खाद्य सामग्री का वितरण किया है और लोगों को समझाया है कि वे अपने घरों में रहें और लॉकडाउन का संपूर्ण तरीके से पालन करें तथा अनावश्यक रूप से कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले। क्या किस तरह का निरीक्षण, क्या कार्यक्रम? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिला प्रशासन को भी हम सबको ये निर्देशित किया है कि अपने जनपद के अंदर कोई भी व्यक्ति रात को भूखा नहीं सोएगा। उसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है, हम सब की है। विधायक और मंत्री होने के नाते हमारी भी है। इसलिए आज फूड पैकेट जिसमें आटा दाल चावल भोजन सामग्री, तो जो मान्यवर काशीराम आवास कॉलोनी है जिसे 500 परिवार हैं और बिल्कुल घोषित निर्धन है, चूँकि बहुत लंबी समीक्षा के बाद उन परिवारों के नाम छाटे गए जिन्हें विकलांग हैं, विधवा हैं, दलित लोग हैं, ऐसे मिलाकर वे सब लोग हैं। तो 500 पैकेट आज वहाँ वितरण किए माननीय विधायक प्रमोद ऊंटवाल जी और हमारे द्वारा जिला प्रशासन के द्वारा तैयार किए गए माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा उनको भेजा गया। मैं मुख्यमंत्री जी का अपने जनपद की ओर से बहुत धन्यवाद करता हूँ और सारे प्रशासनिक अधिकारी, सारे पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिकल टीम, सब लोग बिल्कुल 24 घंटे तत्पर हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं और जनता भी पूरा योगदान कर रही है, लॉकडाउन का सख्ती से पालन कर रही है। तो सभी के लिए धन्यवाद है कि लॉकडाउन तभी सफल होगा जब हम सब लोग घरों के अंदर रहेंगे। और आज रात को 9 बजे 9 मिनट के लिए हम सबको घरों पर दीपक जलाने हैं ताकि जो हमारे कर्मवीर योद्धा हैं जिनकी मैंने अभी चर्चा की, ऐसे सब लोगों का उत्साहवर्धन हो सके। कोरोना भागेगा, भारत जीतेगा, ये संकल्प के साथ हम सबको दीपक जलाने हैं, मोमबत्ती जलानी है, टॉर्च जलानी है, मोबाइल की लाइट जलानी है, लाइटें बंद करके उसका अनुपालन करना। मंत्री, तबलीगी जमात के कितने लोग अपने क्षेत्र के अंदर हैं, अपने जनपद में? अभी लगातार उनकी समीक्षा चल रही है, एक सूची और आई है। तबलीगी जमात की जो प्राइमरी स्टेज थी उसमें मुझे फोन में लोग नहीं आए थे, बाकी मेरा जनपद बिजनौर जिसका मैं प्रभारी हूँ वहाँ कुछ लोग आए, शाहजहानपुर में कुछ लोग आए, उनकी समीक्षा हो रही है। सबको लॉकडाउन रखा गया है और उनके सबको देख करके उनको बाकी लोगों से बच के रहने के लिए कहा है। शासन और प्रशासन ही नहीं बल्कि अन्य लोग भी अब भूखे व गरीबों को भोजन पहुंचाने में अपनी अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं। इसी का ये उदाहरण है जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने भी जगह जगह जाकर खाद्यान्न सामग्री का वितरण कराया। मुजफ्फरनगर से रोहित त्यागी की रिपोर्ट।